नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हमारा ऊन स्टार्ट है जूट के बाद। देखते हैं ऊन क्या है। यह एक प्राकृतिक प्राणी चय तथा प्रोटीन तंतु है। ऊन के अंतर्गत ऐसे तंतु सम्मिलित किए जाते हैं जो कि प्राणियों के बालों से प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, अंगोरा आदि। हिस्ट्री देखें तो ऊन के तंतु कुछ जानवरों पर उगने वाले प्राकृतिक बाल होते हैं। सबसे पहले ऊन जंगली नस्ल की भेड़ों पर पाई जाती थी। जब प्राचीन मानव अपने भोजन के लिए जंगली भेड़ों की हत्या करता था और इन भेड़ों की खालों से अपना शरीर ढककर रखता था, वातावरण के ताप और नमी से इन खालों के ऊपर बाल जम गए। वर्तमान में मुख्य ऊन उत्पादक देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, भारत आदि। इन देशों के में भेड़, ऊँट, बकरी और खरगोश के बालों द्वारा भी ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं विभिन्न ऊनी रेशों से रेशे प्राप्ति के साधन कौन से हैं। भेड़ों के अतिरिक्त अन्य पशुओं के शरीर के बालों से ऊन प्राप्त किए जाते हैं जो इस प्रकार के हैं। पहला है अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी के शरीर से प्राप्त बालों का प्रयोग ऊन में किया जाता है। फिर आता है कश्मीरी बकरी। यह तिब्बत के उत्तर पश्चिम एवं चीन में पाई जाती है। इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं वह सीधे, लंबे, खुरदरे होते हैं। यह भेड़ की ऊनी ऊन की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। इनकी लंबाई 1 से 1.2 इंच से 3 से ही 1.2 इंच तक होती है। इसकी नीचे की जो परत रेशे कोमल और चिकने होते हैं। इसी परत से पश्मीना साल बनाया जाता है। तीसरा आता है अंगोरा खरगोश। इससे प्राप्त ऊन चमकीला और अत्यधिक कोमल होता है। बच्चों के वस्त्र बनाने के लिए इस ऊन का प्रयोग किया जाता है। यह रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं। फिर आता है ऊँट के बाल। मंगोलिया और चीन के उत्तर पश्चिम में ऊँट द्वारा बाल प्राप्त करके ऊन बनाया जाता है। इससे प्राप्त ऊन कोमल, सुंदर और चमकीले होते हैं। फिर आता है लामा। इससे प्राप्त रेशे भारी होते हैं। इनका रंग हल्का धुंधलापन लिए भूरा होता है। ऊपरी और घनी भारी होती है। भीतरी बाल कोमल और रेशम की तरह होते हैं। फिर आता है अल्पाका। इससे प्राप्त तंतुओं की लंबाई 12 इंच होती है। इससे अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त होते हैं। फिर आता है विक्यूना। विक्यूना के बालों से बने कपड़े अच्छे होते हैं। विक्यूना ऊन का गर्म कोट सबसे महंगा बनता है। फिर आता है ऊनी रेशों का वर्गीकरण। भेड़ों के शरीर से ऊन प्रायः बसंत ऋतु में उतारी जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय में ऊन काटी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊन अप्रैल या मई महीने में उतारी जाती है। ब्रिटेन में जून जुलाई में, जबकि ऑस्ट्रेलिया में सितंबर के महीने में ऊन उतारी जाती है। गर्म जलवायु वाले स्थानों में वर्ष में 2 बार ऊन उतारी जाती है। भेड़ों की अनेक जातियाँ हैं। सबसे अच्छी प्रकार की ऊन मेरिनो भेड़ रेशे से बनाए जाते हैं बनती है। अन्य भेड़ों से प्राप्त रेशों से निम्न कोटि की रेशे प्राप्त होते हैं। केवल इतना ही नहीं, भेड़ के शरीर से अलग अलग हिस्सों से प्राप्त रेशों में भिन्नता पाई जाती है। भेड़ के कंधे और पेट वाले भाग का ऊनी रेशों जो फाइबर होता है मुलायम तथा लंबा होता है। सिर से पेट तक के जो रेशे हैं वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। अब जब देखते बचे हुए अन्य भाग के रेशे निम्न कोटि के आते हैं। इसी प्रकार जीवित भेड़ से प्राप्त ऊन उच्च कोटि का त्वचा तथा मृत भेड़ के ऊन निम्न कोटि के होते हैं। भेड़ों की उम्र तथा अवस्था के अनुसार प्राप्त रेशों का वर्गीकरण इस प्रकार है। जैसे पहला है मेमनों से प्राप्त ऊन। 6 से 8 महीने तक के मेमने से प्राप्त ऊन प्रथम श्रेणी के ऊन या फ्लीस ऊन कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? फ्लीस ऊन। ये बहुत बढ़िया किस्म का होता है। इसमें विशेष चमक होती है। यह ऊन अपरिपक्व होती है, अतः अधिक मजबूत नहीं होते। फिर भी इनसे बने कपड़े गर्म और मुलायम होते हैं। फिर आता है होगेट ऊन। यह ऊन 12 से 14 माह वाली ऐसी भेड़ों के शरीर से उतारी जाती है जिनके शरीर से पहले कभी ऊन उतारी न गई हो। इससे प्राप्त ऊन के तंतु कोमल, महीन, प्रतिस्कंदी और परिपक्व होते हैं। फिर आता है वेदर ऊन।
इसमें क्या है, वेदर ऊन जिन भेड़ों से पहली कटाई से ऊन प्राप्त कर लिया गया कर लिया गया हो और दोबारा जो ऊन प्राप्त की जाती है उसे वेदर ऊन कहते हैं। यह ऊन प्रायः 14 महीने से अधिक बड़ी आयु वाली भेड़ों से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की ऊन में बहुत मिट्टी और धूल होती है। फिर आते हैं खींची गई ऊन। खींची गई ऊन इसमें क्या है, जिन भेड़ों के मांस प्राप्त करने के लिए हत्या की जाती है इनके शरीर से प्राप्त ऊन खींची गई ऊन कहलाती है। यह ऊन चूने के प्रयोग द्वारा किया जाता है, रासायनिक लेप द्वारा निकाला जाता है, अतः इनसे इन तंतुओं की जड़ें खराब हो जाती है और ऊन घटिया किस्म की प्राप्त होती है। मृत ऊन, यह ऊन अपने आप मरने वाली और या दुर्घटनावश मरने वाली भेड़ों के शरीर से प्राप्त की जाती है। यह स्वाभाविक रूप से घटिया प्रकार का होता है और इनका उपयोग निम्न श्रेणी के वस्त्रों में किया जाता है। कोटी ऊन, विपरीत जलवायु में या उचित देखरेख के अभाव में यह अच्छा भरण पोषण व दिया जाए या ऐसी स्थितियों में रहने वाली भेड़ों से प्राप्त ऊन को कोटी ऊन कहते हैं। यह ऊन जुड़ी हुई या जमी हुई होती है। इस प्रकार की ऊन कठोर और आसानी से टूटने वाली होती है। फिर आती है टैगलॉक्स ऊन। ऊन के बदरंग कटे कटे टुकड़ों या बचे हुए खराब ऊन को टैगलॉक्स ऊन कहते हैं। यह बिल्कुल घटिया किस्म के होने की ऊन होती है। इससे दरियाकालीन निम्न स्तर के या लो लेवल के कपड़े बनते हैं। फिर आता है ऊन का निर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे है उसका प्रोसेस देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, भारत में अधिकतर ऊनी रेशों का निर्माण हाथ द्वारा किया जाता है। गाँव में सूखे मौसम में जब किसानों को खेती का काम नहीं होता है तब वे यह कार्य करते हैं और ऊनी तंतुओं की कताई व बुनाई द्वारा वस्त्र कंबल दरिया बनाते हैं। इन्हें वह स्वयं के उपयोग हेतु व बाजार में बेचने हेतु तैयार करते हैं ताकि उन्हें पूरक आय भी प्राप्त होती रहे। उन्हीं वस्त्रों की मांग मौसमी होती है। ठंडे प्रदेशों में और असम तथा बंगाल की पहाड़ी प्रदेश में ऊन पूरे वर्ष उपयोग में लाई जाती है। करीब 75% ऊनी हस्तकरघा या हथकरघा उद्योगों उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान से केंद्रित है। पश्चिम, दक्षिण व पूर्व के मैदानी भागों में स्थानीय ऊन का उपयोग कंबल बनाने व दरिया व मोटे कालीन बनाने में किया जाता है। भारत में हाथ द्वारा ऊन बनाने की प्रक्रिया का निम्नानुसार है। तो प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। पहला है श्रेणीकरण को और छाटना। प्रारंभ में ऊन की कटाई के बाद उसे श्रेणीबद्ध किया जाता है और छाटा जाता है। छटाई की प्रक्रिया में उतारी गई ऊन को भिन्न भिन्न किस्म में रखा जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पश्चिमी देशों में यह क्रिया मशीन द्वारा की जाती है, जबकि भारत की घरेलू उद्योगों में यह ऊन की परतें छटाई टेबल पर रखकर हाथ से खोली जाती है और जिन उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाना है उसके अनुसार पृथक की जाती है, जैसे कालीन हेतु, कंबल हेतु और अच्छे ऊनी वस्त्रों हेतु। मिश्रण और धुनाई, इसके बाद ऊन को मिश्रित किया जाता है और धुनाई की जाती है। धुनाई की प्रक्रिया बांस या केन की धनुषाकार धुन्नी किसे की जाती है जिसके सिरे तार से बंधे होते हैं। व्यावसायिक धुनाईकर्ताओं को पिंजरा कहा जाता है। खींचना, नेक्स्ट आता है खींचना। तकली और चरखी की सहायता से खींचने की प्रक्रिया की जाती है और बटाई वाली ऊन की पोनिया टाइप्स बना ली जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कताई बुनाई, जिसे वीविंग बोलते हैं। इसमें क्या है, स्पिनिंग एंड वीविंग। ताने के धागे को तैयार करने के लिए एक तख्ते की का उपयोग किया जाता है जिसमें सीधे खड़ी छड़ों की श्रृंखला होती है और यह आकार में व्यवस्थित होते हैं, चार आकार में व्यवस्थित होते हैं। इसमें देख लेते हैं, इन्हें इच्छित चौड़ाई में व्यवस्थित किया जाता है और खींचा जाता है। यह धागा हस्तकरघे हेतु तैयार होता है। यह पिट प्रकार की करघे पर बुना जाता है। फिर आता है मशीन द्वारा ऊनी वस्त्र तैयार करना। इसकी कटाई कैसे होगी, ऊन उतारने से पहले या वो भेड़ों को नहीं नहलाया जाता था, प्रतिरोधी जल में क्या नहलाया जाता था। पहले भेड़ों की ऊन हाथ से चलाई जाने वाली कैंचियों द्वारा उतारी जाती थी, परंतु आजकल मशीनों कैंचियों द्वारा उतारी जाती है। इन मशीनी कैंचियों का फायदा यह है कि इनसे हाथ की तुलना में अधिक सफाई से और जल्दी ऊन उतरती है।
दूसरा था तैयारी। एक भेड़ से उतारी गई ऊन भार में 3 किलोग्राम से 9 किलोग्राम तक होती है। प्रत्येक भेड़ पर औसत करीब 4 kg ऊन होती है, जो धुलने व साफ होने के पश्चात लगभग 11.2 kg रह गई। इन ऊनों को काटने के पश्चात बोरों में भर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है पृथक्करण व श्रेणी विभाजन। इसमें क्या है, ऊन का पृथक्करण प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा किया जाता है, जो केवल स्पर्श व दृष्टि द्वारा ऊन की विभिन्न किस्मों की पहचान कर पृथक्करण कर देते हैं। फिर चौथा प्रोसेस आता है हमारा स्वच्छ करना। इसमें क्या आएगा, स्वच्छ करना ऊन को उसकी किस्म के आधार पर पृथक करने के पश्चात उनको धूल तथा चिकनाई को साफ करते हैं। इसके लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे साबुन का घोल। इसके लिए 4 होव्स होते हैं। प्रथम होव में गर्म पानी में साबुन का घोल बनाकर इसे उसमें डाले जाते हैं। फिर कम से कम 2 या 3 तथा चौथी होव के साफ पानी में डालकर साबुन निकालकर गर्म हवा या भाप द्वारा सुखाया जाता है। फिर आता है वाष्पित घोलक। इस विधि में चिकनाई निकलने के लिए बेंजीन, पेट्रोलियम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कार्बोनाइजिंग। इसमें क्या होता है, यदि उपरोक्त दोनों विधियों से रेशे साफ ना हो तो वनस्पति अशुद्धियाँ रह जाने पर गंधक की घोल में डालकर साफ किया जाता है। फिर समान तापक्रम पर सुखाया जाता है। फिर आता है चौथा, पांचवा आता है सुखाना। यदि तंतु को तंतु के रूप में रंगना हो तो उसे सुखाने की मशीन द्वारा सुखाया जाता है। यदि रंगना नहीं है तो उसको गर्म हवा के दबाव द्वारा उसे सुखाया जाता है, तंतु को पूरी तरह नहीं सुखाया जाता है। फिर देख लेते हैं, उसमें कुछ नहीं रहने दी जाती। सामान्यतः ऊन में 16% आर्द्रता रहने दी जाती है। पानी में बचे हुए पदार्थों से महत्वपूर्ण पदार्थ तैयार किए जाते हैं। फिर आए चिकना करना। रेशे क्षारीय तथा अम्लीय घोलों में साफ करने से सूख जाते हैं, अतः इनको नरम, मुलायम तथा चिकना करने के लिए सुअर की चर्बी, ग्लिसरीन तथा जैतून का तेल लगाया जाता है, जिससे ऊन नरम और प्रत्यास्थापूर्ण हो जाता है। धुनाई। यह स्वच्छ ऊन कताई की उपयुक्त नहीं होती। इसके तंतु सीधे नहीं होते हैं, अतः इन्हें खोलकर नरम, पतला और गोज के समान पट्टियों में परिवर्तित करना आवश्यक है। ऊन की यह प्रक्रिया धुनाई कहलाती है। फिर आते कंघी करना। कंघी करना यानी कॉम्बिंग। यह प्रक्रिया केवल वेफर्ड सूत्रों हेतु की जाती है। गिलिंग अग्निंग की प्रक्रिया में अधिक छोटे रेशे निकालकर तंतु को सीधा किया जाता है। आगे यही क्रिया कंघी करने की प्रक्रिया में भी चलती है, और छोटे तंतु निकालकर लंबे तंतुओं को समानांतर किया जाता है और कुनी बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में बची हुई अशुद्धियाँ भी निकल जाती है और तंतु और भी स्वच्छ हो जाते हैं। फिर आता है खींचना। खींचना यह क्रिया भी केवल वेफर्ड वस्त्रों हेतु ही उपयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रिया में पुनियों को खींचकर तथा ऐठन देकर उसे लपेट दिया जाता है और फिर पतला बनाकर बटे हुए धागे तैयार किए जाते हैं। फिर है अमोटन। अमोटन यह भी केवल स्प्रेड वस्त्रों हेतु की जाती है। यह प्रक्रिया में रेशे पर थोड़ी बटाई दी जाती है ताकि पतली पुनिया ठीक से बनी रहे। यह कताई से पहले अंतिम अवस्था होती है। फिर आती कताई। कताई द्वारा पुनिया से वस्त्र सूत्र या धागा तैयार किया जाता है। यार्न तैयार करते समय उसकी हल्की ट्विस्टिंग या बटाई दी जाती है। उन्हीं रेशों का मुख्यतः न्यूल कताई मशीन पर काटा जाता है। फिर आता है वीविंग। उन्हीं वस्त्रों पर वेफर्ड वस्त्रों की बुनाई भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। पहला आता है उन्हीं वस्त्रों की बुनाई। अब इसमें क्या है, उन्हीं वस्त्रों की सादी बुनाई, व्हील बुनाई तैयार की जाती है। उन्हीं वस्त्रों की सतह रोएदार होने के कारण बुनाई के नमूने का पता नहीं चलता है। फिर देखते हैं क्या है, उन्हीं वस्त्रों का निरीक्षण कैसे करेंगे। परिसज्जा करने से पहले उन्हीं वस्त्रों का निरीक्षण किया जाता है ताकि उसमें दोष रह गए हों तो ज्ञात हो जाए। इन दोषों को दूर करने में गांठें ठीक करना, धब्बे हटाना, अन्य अशुद्धियाँ हटाना, ढीले रेशे को हटाना, मरम्मत करना या फिंगर आदि कार्य किए जाते हैं। फिर आते परिसज्जा। इसमें क्या रहेगा, परिसज्जा में
वस्त्र रोग के पीले रंग को दूर करने के लिए ब्लीचिंग किया जाता है तथा रंगने के लिए अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं वस्त्रों पर की जाने वाली मुख्य परिसज्जा इस प्रकार है। एक तो भराव देना पहला है। इसमें क्या होता है, बुनाई की प्रक्रिया के पश्चात ऊनी तथा वेफर्ड वस्त्रों को गर्म साबुन के पानी में रखकर कूटा जाता है तथा बटाई दी जाती है। इस प्रकार की ताप, नमी, दाब और ठंडे पानी में कंगालने की प्रक्रिया जो क्रिया को भराव देना क्या कहा जाता है। कभी कभी इस प्रक्रिया में रसायनों का प्रयोग भी किया जाता है। रूप स्थिर करना, इस परिसज्जा में ऊनी वस्त्र को गर्म पानी में घूमने वाले बेलनों पर से गुजारा जाता है। इसके पश्चात तुरंत ही इन्हें ठंडे पानी में डुबोया जाता है। वस्त्र को मजबूती से कसकर पकड़ कर रखा जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऊन की। इनकी सबसे पहले फिजिकली और केमिकल होती है। तो फिजिकली की बात करें तो इनकी रासायनिक संगठन, ऊन मुख्यतः प्रोटीन युक्त रेशा है, इसमें केराटिन नामक प्रोटीन मिलता है। फिर आता है अनुवीक्षणीय रचना यानी माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ऊन की जो ऊन की अंतर्धर्य से देखने से इनके दोनों सिरे नुकीले तथा बीच का भाग थोड़ा गोलाकार दिखाई देता है। ऊन के रेशे में 3 परतें होती हैं। अब लंबाई, इनकी ऊन के तंतु की लंबाई 1 से 4 इंच तक होती है। लंबे रेशे छोटे तंतुओं की अपेक्षा मोटे होते हैं, सामान्यतः ऊनी रेशे अधिक लंबे होते हैं, अधिक लंबे नहीं होते हैं। मजबूती, ऊन प्राकृतिक तंतुओं में सबसे कमजोर तंतु है। इसे मजबूत बनाने हेतु विभिन्न परिसज्जाएं की जाती हैं। ये गीली अवस्था में अधिक कमजोर हो जाते हैं, सूखी अवस्था में पुनः शक्ति प्राप्त कर लेता है। ऊन के रेशे अधिक लंबे नहीं होते हैं। फिर प्रत्यास्थता की बात करें, यदि उन्हीं धागे को 5 से 10% खींचा जाए तो संभवतः 63% स्थिति तक पुनः अपना आकार ग्रहण कर लेता है। यदि 20 से 30% तक खींचा जाए तो प्रत्यास्थता कम हो जाती है। ऊन में पाए जाने वाले छिड़ता को छुपाने में ऊन की प्रत्यास्थता में सहायक होती है। फिर प्रतिस्कंदिता, इनको देखें, प्रतिस्कंदिता क्या है, इसमें ऊन सभी तंतुओं में सबसे अधिक प्रतिस्कंदिता वाला तंतु है। यह रबर बैंड के समान खींचने पर या सलवटे पड़ने पर तुरंत अपनी मौलिक स्थिति में आ जाता है। यह बिना टूटे 10% से 30% तक खींचा जा सकता है। ऊष्मा संवाहकता, ऊनी तंतु ऊष्मा के कुचालक हैं। इनसे प्रोटीन होने से ये ऊनी वस्त्र सर्दियों में गर्म रहता है। ऊनी तंतु की सतह पर शल्क और तंतु में लहरें होने से वायु के लिए स्थान बन जाता है और वायु उनमें ठहर जाती है, जो वायुमंडल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। लहरदार, ऊनी तंतु कम या अधिक लहरदार होता है और उनमें कुछ मात्रा में ऐठन होती है। ऊन जितना महीन होता है उसमें उतनी ही लहरें होती हैं। बढ़िया किस्म की मेरिनो ऊन में प्रति इंच 30 लहरें होती है, जबकि मोटी ऊन में 1 इंच से केवल 1 या 2 लहरें ही होती हैं। आर्द्रता के प्रति गहता, उन सभी तंतुओं से अधिक आर्द्रता को ग्रहण करती है। यह वातावरण को हवा से अपने वजन के करीब 50% तक आर्द्रता को अवशोषित कर लेता है और अपने वजन से 1/5 भाग तक की आर्द्रता को गीलापन अनुभव की ग्रहण कर लेता है। फिर आता है सफाई एवं धुलाई, उन्हीं वस्त्रों पर धूल चिपक जाती है। उन्हीं वस्त्र को झटक कर या नर्म ब्रश द्वारा धूल को मुक्त किया जा सकता है। उन्हीं वस्त्र को यदि अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाए तो उसमें गंध आती है। संकुचन, उन्हीं वस्त्र वेफर्ड वस्त्रों की अपेक्षा अधिक सिकुड़ते हैं। वस्त्रों को यदि शुष्क धुलाई से धोया जाए तो कम सिकुड़ता है। इन वस्त्रों की परिसज्जा द्वारा सिकुड़न अवरोधक बनाया जाता है। ऊष्मा का प्रभाव देखें तो ऊष्मा का प्रभाव, ऊन जो है 12 फारेनहाइट पर कड़े हो जाते हैं। इससे अधिक तापमान पर वह विघटित होने लगती है। ये 400 फारेनहाइट झुलस जाती है और अंत में जल जाती है। प्रकाश का प्रभाव देखें, ऊन को यदि लंबे समय तक धूप में रखा जाए तो ऊन कमजोर हो जाती है। फिर है सल्वट प्रतिरोधक क्षमता, सल्वट प्रतिरोधक क्षमता प्रतिस्कंदता एवं प्रतिस्थता के कारण ऊनी वस्त्रों में सल्वट नहीं पड़ती। रगड़ का प्रभाव, गीली अवस्था में ऊनी वस्त्र अपनी शक्ति खो बैठते हैं। धुलाई के समय अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। फिर देख लेते हैं केमिकल, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है।
केमिकल रूप से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चेंजेस आती हैं। अम्लक्रिया, अम्लक्रिया ऊन ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की घोल से प्रभावित नहीं होती, पर इसका गर्म सांद्र घोल ऊन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऊन इसमें घुल जाती है या अनेक खनिज अम्लों से प्रभावित नहीं होने के कारण इस पर कार्बनीकरण की क्रिया की जाती है। रंगों के प्रति सादृश्यता, ऊनी वस्त्रों में रंगों के लिए अधिक अच्छी सादृश्यता होने के कारण अच्छी तरह के समान रूप से रंगते हैं। क्रीम रंग, अम्लीय रंग ऊन पर पक्के चढ़ते हैं। क्षार का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, क्षार के प्रभाव से ऊन पीली कड़ी पड़ जाती है, वह जमती है। यदि पानी में को क्षारीय पदार्थों से मृदु किया जाए तो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा भी यदि पानी रह जाए तो ऊन का रंग खराब हो जाता है और कड़ी हो जाती है। ऊन हेतु कास्टिक सोडा अधिक हानिकारक होता है। कीड़ों का प्रभाव, ऊनी वस्त्रों में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, अतः इन्हें सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए। आजकल ऊनी वस्त्रों पर इसकी अवरोधक परिसज्जाएं की जाती हैं जिससे इन वस्त्रों पर कीड़े नहीं लगते हैं। फिर आता है फफूंद का प्रभाव। सामान्यतः ऊनी कपड़ों पर फफूंद नहीं लगती, यदि गीले अवस्था में छोड़ दिया जाए तो फफूंद लगने की संभावना रहती है। विरंजकों का प्रभाव, इसमें सोडियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग उत्तम रहता है। पसीने का प्रभाव, पसीना ऊनी वस्त्र का रंग खराब कर देता है। पसीने की नमी के कारण खराब हो जाता है, यानी पसीना जो है ऊनी वस्त्रों को का रंग खराब कर देता है। यहाँ पे है यानी जो इस पे रगड़ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हमारा ऊन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी सिल्क के बारे में देख लेंगे जो कि एक नेचुरल फाइबर है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।